सभी को टेक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। तो अब चल रहे हैं अगले टॉपिक पर। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। किसी का वर्ग ज्ञात करना आपको सिखा चुके हैं। अब रूट के अंडर में कोई अंक है, कोई संख्या है, तो उसको हम कैसे पहचान सकेंगे कि यह किसका वर्गमूल है, किसका रूट है, ताकि आपको पता चल जाए, जल्दी से जल्दी इसको हल कर पाए, सॉल्यूशन में आपको टाइम नहीं लगे, उसी का नियम आज जानना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं कि आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो वर्गमूल पर आधारित सवाल को हमको बनाना है। जैसे यहाँ पर हमको दे दिया कोई चीज़ लंबा दे दिया, हम नहीं जानते 7, 3, 2, 5, 6 कुछ दे दिया है, तो इसका हमको जानना है कि ये वर्गमूल किसका है। कैसे हम जान पाएंगे कि ये किसका वर्गमूल है और कैसे आंसर निकल सकता है, तो इसको जानने के लिए आपको बताना है आज का नियम। अगर समझ जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो जनरली सभी को 20 तक का स्क्वायर तो याद रहता ही है, तो 5 और बढ़ा लेंगे, 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लेंगे। सभी को 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसी तरह कंटिन्यू चलते चलते 25 तक का स्क्वायर सभी को याद कर लेंगे। और 125 तक का स्क्वायर तो हम याद करवा चुके हैं आपको, इसका वीडियो हम पीछे हम बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो, उस वीडियो को देख लेंगे, आज उसका प्रयोग होगा। तो सबसे पहला हम इसको बनाने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी है जो कि याद रहे। तो सबसे पहले काम यहाँ देखिए कि एक कोई भी रूट के अंदर का इकाई अंक यदि एक होगा तो वो वर्गमूल का लास्ट अंक हो सकता है 1 या 9। अभी हम बताएंगे, सिर्फ इसको याद रखना है कि कैसे ये याद रहेगा और कैसे करेंगे, अभी सभी को बताएंगे। 1 और 9, जैसे यहाँ पर है कि जैसे कोई अंक हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 2401 ये किसका वर्गमूल है। जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वो तुरंत बोल देगा कि 49 का स्क्वायर 2401 होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 2401 ऐसे 49 का स्क्वायर 2401 बोल सकते हैं, लेकिन 2401 वर्गमूल किसका है तो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये किसका वर्गमूल है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले लास्ट में क्या दिख रहा है, 1। तो लास्ट में 1 दिख रहा है तो यह किसका वर्गमूल हो सकता है कि लास्ट अंक या तो 1 वाला का होगा या तो 9 वाला का होगा, ये क्लियर हो गया। इसी को पकड़ने के लिए हम ये नियम लिखा रहे हैं, क्योंकि इकाई अंक पढ़ा चुके हैं कि इकाई अंक पढ़ा चुके हैं कि जिसका इकाई अंक 1 होगा तो उसका 1 लास्ट में होगा, या नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 के स्क्वायर हम करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो लास्ट में तो 1 होगा, यानी 1 और 9 लास्ट में हो सकता है ये वर्गमूल के अंत में। अभी हम लिख रहे हैं 2, 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता, जैसे लास्ट में 2 होता है तो 2 उसका किसी भी अंदर में जो रहेगा किसी भी अंक का वर्गमूल 2 नहीं होगा, इसको याद रखना है। 3, 3 के लिए आपको ये 3 भी नहीं चलेगा, 3 भी किसी का नहीं होता है। 4, 4 होता है 2 के स्क्वायर 4 और 8 की स्क्वायर 4 होता है, तो 2 और 8 का स्क्वायर हो सकता है 4 और 8। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये दोनों नहीं होगा। अब उसके बाद 5, 5 के लिए 5 होगा क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 होता है, ये 5 हो जाएगा। 6 के लिए होता है, 6 के लिए आप सोचिए कि 6 के लिए क्या होगा, तो 6 के लिए तो ये 6-1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के लिए 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कि 6 स्क्वायर किसका होता है, एक और 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन इसके पहले 4 के स्क्वायर भी तो 16 होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 और 6, लास्ट में अगर 6 रहता तो यहाँ पर या तो 4 वाला होता या तो 6 वाला, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इस लास्ट में 6 होता है। अब 7, 7 किसी भी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं 8, 8 यहाँ पर साइड में ही लिख देते हैं। 8 के लिए आपको आप सोचिए कि 8 किसका स्क्वायर होता है,
आठ, आप सोचेंगे कि आठ किसी का स्क्वायर हो तो हम चेक कर लेते हैं, एक का स्क्वायर एक, दो के स्क्वायर दो, तीन के स्क्वायर नौ, दो के स्क्वायर चार होता है, तीन के स्क्वायर नौ, उसके बाद पाँच के स्क्वायर, चार के स्क्वायर सोलह, छः नहीं आया, पाँच के स्क्वायर पच्चीस, छः के स्क्वायर छत्तीस, सात का स्क्वायर उनचास, आठ का स्क्वायर चौंसठ, नौ के स्क्वायर इक्यासी, लास्ट में वन हुआ। तो यह आठ कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? तो आठ आपका स्क्वायर नहीं दिख रहा है, किसी का स्क्वायर आठ नहीं दिख रहा है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, आठ किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए आठ इसको काट देना। अब नौ पर चलते हैं। नौ के बारे में सोचिए, यह तीन का स्क्वायर तो होता है, अब नौ और कहीं किसी का स्क्वायर होता है, सत्तर उनचास, यानी सात का स्क्वायर भी नौ चलेगा, तीन के स्क्वायर नौ और सात के स्क्वायर नौ नहीं, सात के स्क्वायर उनचास होता है, लेकिन लास्ट अंक को पकड़ना है कि लास्ट अंक आपका नौ आ रहा है कि नहीं है, तो तीन और सात में नौ आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते, देखिए एक के लिए एक का स्क्वायर एक होता है, नौ के स्क्वायर इक्यासी होता है, लास्ट में एक आया तो एक और नौ आया, इसके अलावा कोई दूसरा अंक एक नहीं पुरा सकता। दस तक में हमको सोचना है, नौवे तक में सोचना है, दस तक में नहीं। अब दो किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे दो नहीं आएगा, तीन किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे नहीं आएगा, अब चार दो का स्क्वायर करेंगे चार आएगा, आठ का स्क्वायर चौंसठ होता है इसलिए चार इसमें भी आएगा, पाँच के स्क्वायर तो पाँच होता है, छः के स्क्वायर या छत्तीस छः पुराना है, चार के स्क्वायर सोलह होता है, लास्ट में छः आया, छः के स्क्वायर छत्तीस होता है, लास्ट में छः आया, तो ये छः चार और छः में आएगा, सात किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, अब आठ तो आठ भी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, नौ तो तीन के स्क्वायर नौ, सात के स्क्वायर उनचास, तो तीन और सात का स्क्वायर यह नौ आएगा। तो अब आपका आ गया यहाँ पर क्या, कौन कौन सा अंक जो है स्क्वायर में आ रहा है और कौन कौन सा अंक स्क्वायर में नहीं आ रहा है, उसको पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि स्क्वायर नहीं आने वाला दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ किसी भी संख्या के स्क्वायर नहीं होगा, तो ये सब जो बचा है वो स्क्वायर लास्ट में आएगा। आप बोलते हैं कि दो तीन सात आठ किसी भी संख्या के स्क्वायर नहीं होता है, तो किसी भी संख्या के स्क्वायर नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसका वजह तो आप समझ चुके होंगे, इसका वजह समझ चुके हैं। तो अब 2401 को हमको पता करना है कि 2401 जो है किसका स्क्वायर है या किसका रूट है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले ये 2401 आया तो जोड़ा अब बनाएंगे, ध्यान से एक सवाल को देखना, बस उसके बाद दिक्कत आपको नहीं होगा। 2401 को आप जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2401 जोड़ा बन चुका है तो इसमें आप देखेंगे लास्ट ये वाला एक, तो एक अभी दिमाग लगाइए कि एक किसके लिए हम लिखे हैं, एक के लिए आप क्या लिखे हो, एक और नौ, दो पॉइंट लिखे हैं ना, ध्यान से देखना एक सवाल को, फिर दिक्कत नहीं होगा। एक किसके लिए लिखे हैं, एक के लिए एक और नौ की स्क्वायर इक्यासी, इसलिए एक और नौ इसका होगा, तो इसको आप लिख दिए एक या नौ, यहाँ पर ऐसे लिख दिए एक या नाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डबल अंक का काम पूरा हो गया, अब ये डबल अंक बना है, डबल अंक ये बचा है, तो आप सोचिए कि ये डबल अंक बचा है तो ये 24 जो है किसके स्क्वायर के करीब है या किसके स्क्वायर के बीच में, ये 24 तो 24 पाँच के स्क्वायर 25 होता है, पाँच के स्क्वायर 25 हुआ, तो ये 24 से तो 25 से कम में है ना, तो एक और पीछे ले लो, चार के स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले जोड़ा बना दिए, जोड़ा बनाने के बाद ये डबल अंक के लिए हम सोचे यहाँ पर वन है, तो वन किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो एक का स्क्वायर वन होगा या तो नाइन का स्क्वायर वन होगा, तो ये डबल अंक का काम खत्म हो गया। उसके बाद बचा कितना 24, तो 24 बचा, तो 24 में आप देखिए कि 24 जो है किसके स्क्वायर के बीच में, तो आप सोचिए 25 का पाँच का स्क्वायर 25 होता है लेकिन 24 है, तो यहाँ पर चार का स्क्वायर 16 और पाँच का स्क्वायर 25, इस दोनों अंक के बीच में होगा ये 24, यही होगा ना,
तो इस दोनों अंक के बीच में होगा तो आप याद रखोगे कि पीछे वाला जिसके बीच में होगा सबसे पीछे वाला अंक को ले लेना चार। तो चार ले लिए तो यहाँ पर लिख देंगे या तो चार पर पावर एक डाल दो या तो चार पर पावर नौ डाल दो, लिख दिए। या तो स्क्वायर 41 होगा इसका या तो 49 होगा। अब पहचानना है कि ये 49 सही है या 41 सही है। हम आ चुके हैं आंसर पे। तो यहाँ पर देखिए कि 49 सही है या 41 सही है, इसका जवाब देने के लिए 24 बताएगा कि 24 किसके करीब है, 25 के करीब है या 16 के करीब है। अब देखिए ये 24 25 के करीब है, 25 के करीब है, यानी इस दोनों में बड़ा डिजिट के करीब है। तो इस दोनों में बड़ा डिजिट क्या है, 49, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 49। तो 49 का स्क्वायर होता है 2401, बस ये आंसर हो गया, समझ में आ चुका होगा। तो आगे सवाल एक और हम लिख के दिखाते हैं, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे हम लिख दिए कोई भी डिजिट 2601, जैसे रूट अंडर 2601 हम लिख दिए, तो 2601 आप सोचिए ये जोड़ा बन गया तो यहाँ तुरंत लिख देंगे एक या तो नौ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 26 को सोचते हैं कि किसके स्क्वायर के बीच में, तो 5 के स्क्वायर होता है 25, लेकिन 26 है ज़्यादा है ना, 25 से ज़्यादा है, तो एक अंक और ले लेते, 6 के स्क्वायर 36, यानी इस दोनों के बीच में 26 है। तो पीछे वाला हर हमेशा लेना पीछे वाला, तो 5, तो यहाँ पर 5 पर एक डाल दो और 5 पर 9 डाल दो, देख दिए। 5 पर या तो 51 आंसर होगा या तो 59 आंसर होगा, ये दोनों आंसर होगा। तो अब सोचिए आप कि ये 26 जो है आपका इस दोनों में से किसके करीब में है, 25 के करीब में है या 36 के करीब में। तो आप बोलेंगे कि 25 के करीब में 26 है, 25 के बाद 26 होता ही है, यानी 25 के जस्ट बगल में 26 है। तो यानी 25 के करीब में, ये दोनों के बारे में सोचिए, 25 छोटा 26 36 बड़ा, तो 25 छोटा 36 बड़ा, तो 25 के करीब में 26 है, यानी छोटा अंक के करीब में 26 है। तो यहाँ पर इस दोनों में देख लीजिए कि छोटा अंक कौन है, तो छोटा अंक 51 है, इसलिए आंसर आपका 51 हो जाएगा, 59 नहीं होगा, ये आंसर होगा। बस इतना ही काम करना और कुछ है ही नहीं। तो अगला और आपको दिखा रहे हैं, जैसे कोई अंक हम ले लिए 2304, जैसे कोई भी अंक ले लेते 2304, ये किसका है, तो देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है, दो के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अभी चार वाला हम लिखे, 2 और 8 लिख दिए, ये जोड़ा आपका ख़त्म हो गया, यानी 0 और 4 आपका ख़त्म हो चुका है, तो बचा कितना, 23। अब 23 को आप देखिए कि किसके बीच में ये 23 है, तो आप सोचेंगे 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 4 और 5 के बीच में, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, यानी 4 और 5 के बीच में आपका ये 23 है। तो आप सोच लीजिए कि ये पीछे वाला, हम बताएं कि हर हमेशा पीछे वाला लेना है, तो 4 और 2 लिख दीजिए और 4 और 8 लिख दीजिए और 42 और 48। अब या तो 42 होगा या तो 48 होगा। अब देखिए आपकी ये 23 जो आपका लिखाया है, ये दोनों में आपको चेक करना है कि मेरा सही आंसर 42 है या 48 है। तो अब इसको पता करने के लिए इसको आपको देखना है कि 23 जो है किस डिजिट के, यानी किस संख्या के आसपास में, किसके करीब है, किसका निकटतम है। ज़्यादा वाला का निकटतम होगा तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा 48, और कम वाला का निकटतम होगा तो कम वाला 42 हो जाएगा। तो इसका डिसीजन के लिए ये दोनों बताएगा कि 23, तो 23 हम देखते हैं कि 25 के बगल में ही है, 25 से दो पीछे हटेंगे 23 मिल जाएगा, और 16 के ज़्यादा 16 के आगे बहुत बढ़ेंगे तब 23 आएगा, इसलिए 25 के करीब में है 23। तो यानी बड़ा डिजिट के करीब में 23 है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 48, बस ये आंसर 48 हो जाएगा। इतना ही काम करना है, 48 आपका आंसर तैयार होगा, समझ में आ चुका है। अगला सवाल हम लिखते हैं,
जैसे कोई एक सवाल हम लिख लेते हैं, जैसे 20-25 हम लिखते हैं, ये किसका स्क्वायर, किसका रूट है, तो 5 जैसे देखें तो 5 के लिए तो 5 होता ही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 5 के लिए 5 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इतना का खेला ख़त्म हो गया। अब सोचिए ये कि ये 20 जो है किसके करीब में है, किसके आसपास में है, किसके स्क्वायर के आसपास में है। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। तो हर हमेशा बोले हैं कि पीछे वाला लेना है, 4 लेना है, तो 4 45 45 हो जाएगा। बस इसमें तो एक ही अंक होगा, 45 में हो जाएगा, क्योंकि दूसरा दावेदार कुछ है ये नहीं है, तो कुछ दूसरा कुछ दावेदार नहीं, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 45 के स्क्वायर 20-25 होता है, ये आंसर हो गया। दो को कब लिखते थे, जब यहाँ डबल जैसे 4 लिखा था तो 2 और 8 लिखते थे, तब डबल होता था, या तो सिंगल ही है तो बस 45 आंसर हो जाए। जैसे एक और हम लिखते हैं इस टाइप का, जैसे लिखते हैं 5625, 5625 हमने लिखा, तो यहाँ देखिए कि 5 जैसे है तो ये 5 वाला होगा, एक ही डिजिट होगा, दूसरा होगा नहीं। ये 56 देखिए, अब 56 कहाँ जाएगा, आप सोचिए कि 56 जो है, 56 को पता करने के लिए आप मने मन सोचेंगे कि 56 किसके स्क्वायर के करीब जाएगा, तो 77-49, 88-64, 7 और 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बस इस दोनों के बीच में मेरा 56 है, तो पीछे वाला लेने के लिए आपको बोले हैं तो 7 ले लीजिए, तो 7 और बगल में ये 5 इकाई अंक है, 75 आपका आंसर हो जाएगा, डबल डिजिट इसमें होगा ही नहीं, 75 आपका आंसर तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिसके बीच में होगा उसको उतार लीजिए और पीछे वाला तुरंत ले लीजिए, और जो आप इकाई अंक माने हैं बस उस इकाई अंक को बैठा दीजिए, इस पर आंसर हो गया। जैसे अगला हम चलते हैं, जैसे यहां ले लेते हैं 7225, तो 7225 को आप देखिए कि यहां 5 के लिए 5 होगा, ये खेला खत्म हो गया। अब 72 को आप सोचिए किस अंक के करीब में, तो आप 72 को सोच सकते हैं, 72 किसके करीब में है, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, तो 64 से बड़ा और 81 से छोटा, तो 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में है मेरा 72, तो हम बोले पीछे वाला लेना है आपको, हर हमेशा पीछे वाला, तो 8 और 5 लिख दो, बस यही आंसर हो गया 85, और कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ चुका होगा इस तरह का सवाल, और हम दूसरा सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सवाल कि बड़ा सवाल भी आप कैसे कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसका हमको बनाना है। तो इसका बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस दोनों को ले लीजिए, डबल अंक ही ख़त्म होगा, तो इसके लिए 1 है लास्ट में, तो 1 किसके लिए अभी तुरंत लिखें, या तो 1 या तो 9, तो 1 और 9 हम लिख देते हैं। अब इतना का कहानी ख़त्म हो गई, अब बचा है 620, तो 620 को अब देखिए कि कहाँ पहुँचेगा ये, तो आप अपने मन से स्क्वायर याद रहेगा मिनिमम 25 तक, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन आपका 620 है, तो एक तो 25 होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 25 का स्क्वायर 625, लेकिन आपका 620 है, तो पीछे चले आए 24 का स्क्वायर 576, ये हो गया। तो हम बोले कि पीछे वाला लेना है, पीछे वाला कितना लेना है 24, इस पर 1 डाल देते हैं, और इस पर 24, और इस पर कितना होगा 9, 241 या 249, तो 241 होगा या तो 249 आंसर होगा इसका। तो अब देखिए कि 620 किसके करीब है, 625 या 576 के करीब में,
तो आप देखेंगे कि 625 के करीब में है 620, यानी इसके आसपास में है 620। तो 625 क्या बड़ा डिजिट है? 576 से बड़ा है। तो इसमें आपको देखना है कि बड़ा डिजिट इस दोनों में कौन है, 249 है। तो 249 आपका आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका तैयार हो गया 249, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, अगला सवाल देखिए। देखिए 541 का स्क्वायर हमको करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि लास्ट में एक है तो ये एक चलेगा और क्या चलेगा, नौ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके आगे आप सोचिए कि ये 50 किसके करीब में है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इन दोनों के बीच में 50 है। तो हमको, हम बता चुके हैं कि पीछे वाला लेना है, या तो 71 होगा या तो 79 होगा। तो अब देखिए कि 50 किसके करीब में है, 49 के करीब है, यानी 64 और 49 में छोटा कौन है, 49, तो इस दोनों में छोटा कौन है, 71। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ये आंसर तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। देखिए जैसे 5756 है, तो इसको करने के लिए लास्ट में 6 है, तो या तो 6 होगा, तो 6 वाला देख लीजिए, तो 6 वाला कहाँ है, यहाँ, या तो 6 होगा या तो 4 होगा, पहले 4 लिख दीजिए आप, उसके बाद 6, कोई दिक्कत नहीं है, ये खेला खत्म हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर बचा 57, तो 57 किसका स्क्वायर होता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 57 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो पीछे वाला लेना है तो 74 हो जाएगा या 76 होगा। अब इसको पता करने के लिए कौन आंसर सही है, तो सबसे पहले 57 को देखिए, तो 57 किसके करीब में है, तो 57 64 के करीब में, 64 के करीब में या 49 के करीब में, तो 57 3 जोड़ेंगे तो 60 होगा, 3 और 4 7, यानी 7 इसके पीछे है। तो यहाँ पर 49 देखते हैं कि एक यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 50 होगा, और 7 आगे बढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर 8 आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये आपका 57 आएगा, यानी इसके करीब में है, आपका बड़ा डिजिट के करीब में है 57। तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा, 76। बस यही है आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं कि सवाल आप बना सकते हैं, तो सवाल को बनाइए और सवाल को घर में प्रैक्टिस कीजिए। कितना लंबा सवाल है आप बना सकते हैं, एक लंबा सवाल आपको हम करके दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आप घर में प्रैक्टिस करोगे। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए इसको हमको करना है, इसको करने के लिए इतना लंबा सवाल है, तो लास्ट में क्या 4 है, तो 4 के लिए आप सोचिए कि 4 के लिए क्या 2 और 8, तो यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डबल अंक ही खत्म होगा, तो बच गया कितना, 1281। तो 1281 को आप ट्राई मारिए कि 1281 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, किस डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सबसे पहले अनुमान पर तीर मारिए, क्या अनुमान पर तीर मारे, 30 का स्क्वायर 900, यानी 30 से ऊपर जाएगा। तो जो जानते हैं 35 का स्क्वायर, हम बता चुके हैं कि 35 का स्क्वायर आपको कितना पता है, 35 का स्क्वायर आपको पता है कि 1225 होता है, क्योंकि हम 125 तक का स्क्वायर आपको बता चुके हैं कि 35 का स्क्वायर 1225। जो वीडियो नहीं देखे पीछे जाकर वीडियो देख लेंगे, इसका स्क्वायर के लिए हम बोले थे 5, जैसे देखे 25 लिख देंगे और एक बढ़ा के गुना करेंगे, 3 है तो 3 एक बढ़ा के गुना करेंगे, 4 3 12, 1225 हो गया, यानी 1225 आया, यहाँ 1281 आई, अब पता चल गया कि 1225 है, मिल गया 1281, तो इसके एक ज़्यादा होगा, जैसे 36 का स्क्वायर हम चलते हैं 1296, तो 35 और 36 के बीच में है 1281, आपको पता चल गया कि इसके बीच में ही है। तो आप पीछे वाला लिखोगे 35, तो 35 यहाँ पर लिखेंगे, या तो 35 तो लिख दिए, इस पर 2 बैठा दिए, यहाँ 35 होगा, इस पर कितना होगा, 8 होगा, या तो 352 होगा या तो 358 होगा, ये आंसर होगा। तो इसको करने के लिए आप सोचिए कि 1281 किसके करीब है, 1296 के करीब है ना, तो 1225 जहाँ है, 1296 है, तो इसके करीब में है 1281, यानी बड़ा डिजिट के करीब में है
आपका यह 1281। तो यहाँ पर बड़ा डिजिट इस दोनों में क्या है, 358। बस यही आपका आंसर हो गया 358, और कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर तैयार हो गया 358। तो कोई भी सवाल रहे, बड़ा हो या छोटा हो, आप आराम से बना सकते हो, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से मोबाइल से गुना कर लीजिए, अपने मन से खोजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको होगा, नहीं तो फिर समझ जाएंगे, लगेगा कि बन जाएगा, फिर नहीं बनेगा। अब ट्राई मारिए, दो तीन बार इसको बनाइए, तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। और जो नए कैंडिडेट है इस चैनल पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिसको वीडियो अच्छा लगता है, तो मिनिमम कम से कम 5 स्टूडेंट को ज़रूर सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर, 5 स्टूडेंट को सेंड कीजिए, 5 स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं आप आराम से, जो पढ़ने वाला है ग्रुप में सेंड, ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप में भेज दीजिए, जिसको जहाँ सुविधा मिले, तो ग्रुप जिसका जिसका पास, जिसके जिसके पास ग्रुप है मोबाइल व्हाट्सएप पर, तो ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए, फेसबुक पर सेंड कीजिए, और जहाँ भेज सकते हैं भेज दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा ये चले तो फिर हम अच्छे अच्छे वीडियो और डाल सके। ठीक है, कल मिलते हैं।